हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज का वीडियो लाइफ आफ्टर के ऊपर होने वाला है, क्योंकि हमारे बहुत से फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि ब्रो, लाइफ आफ्टर का फेड या फिर होप फंड या फिर प्राइम मेंबरशिप कहाँ से लेना है। तो गाइस, आज आपका इंतजार हुआ ख़त्म, क्योंकि आज का वीडियो इन सारे सवालों का जवाब लेकर के आया है। ठीक है, तो बिना वीडियो को स्किप किए एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो का कोई सा पार्ट नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका तुरंत ही रिप्लाई दे दूंगा टाइम मिलते ही। तो वीडियो को करते स्टार्ट, इससे पहले मैं थोड़ा अपने चैनल का प्रमोशन कर लूँ। तो गाइज़, आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, आपका बिना वेस्ट ऑफ टाइम किए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइज। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाइफ आफ्टर को इंडिया में बैन कर दिया गया है, और इसको प्ले स्टोर या फिर कोडा शॉप से भी रिमूव कर दिया है, जिसके कारण हम लोग फेड या फिर होप फंड या फिर प्राइम मेंबरशिप जो होता है लाइफ आफ्टर में, वो नहीं परचेज कर पा रहे। ठीक है, तो रही बात अगर फेड क्रेडिट की कैसे लेना है, तो उसके ऊपर तो मैं वीडियो बना दिया था, ऊपर आपको आई बटन में दिख भी रहा होगा या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो अब बात रही कि होप फंड या फिर प्राइम मेंबरशिप कहाँ से लेना है, क्योंकि ये आपको कोई भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। तो गाइज, इसका डिस्कवरी मैं काफ़ी दिनों से कर रहा था, जब से मैं सुना हूँ कि मतलब लाइफ आफ्टर बैन हो गया या फिर हम लोग परचेज नहीं कर पा रहे हैं फेड क्रेडिट होप फंड या फिर प्राइम मेंबरशिप। तो मैं हर पॉसिबल वे को ट्राई किया, जैसे मैंने गूगल पे भी सर्च किया कि कोई हमको ऐसा वेबसाइट मिले कि जहाँ पे होप फंड या फिर प्राइम मेंबरशिप लाइफ आफ्टर का मतलब प्रोवाइड करता हो। तो गाइज, मैं बता दूँ आपको कि ऐसा कोई वेबसाइट है ही नहीं। एक वेबसाइट था जो कि कोरियन था, उसका नाम है shopee.com। तो वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, बट गाइज वहाँ पे इंडियन करेंसी आप पेमेंट नहीं कर सकते हो, नहीं उसके वॉलेट में ऐड कर सकते हो। तो मैं वहाँ भी ट्राई किया, बट वहाँ पे ऐसा कोई रास्ता नहीं था गाइज। ठीक है, तो मैं बहुत ढूंढा, ठीक है, उसके बाद मैं हार पछता करके सिंपली मैसेज करा किसको, लाइफ आफ्टर कम्युनिटी को इन गेम मैसेज करा। ठीक है, तो उनका क्या रिप्लाई आता है देख लीजिए। तो गाइज, मैंने इनसे इन गेम मैसेज करा था, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मैंने इनसे कहा कि देखिए, आप तो जैसा जान रहे हैं कि इंडिया में लाइफ आफ्टर बैन हो गया है, तो और हम लोग अभी भी इस गेम को खेल पा रहे हैं, अभी सर्वर बैन नहीं हुआ, तो इसमें जो हम लोग फेड क्रेडिट या फिर होप फंड नहीं खरीद पा रहे। तो हमने इससे पूछा कि आप एक कोई रास्ता बताइए जिसके कारण हम लोग होप फंड या फिर टॉपअप खरीद सके इंडियन प्लेयर्स के लिए, ऐसा कोई रास्ता बनाइए। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस गेम को बहुत प्यार करते हैं और इसको छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, तो इन लोग का अब रिप्लाई क्या आता है ये देख लीजिए। बोलते हैं कि हमारे पास कांटेक्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, हम लोग जान चुके हैं कि ये इशू इंडिया में चल रहा है और हम लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं इसको फिक्स करने के लिए कि हमारे इंडियन प्लेयर्स है वो टॉपअप खरीद पाएँ। ठीक है, और हम लोग इस प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी फिक्स कर देंगे। ठीक है, जितना जल्दी हो सके मैं उस प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व कर देंगे ये लोग। तो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। ठीक है, इन लोगों ने ऐसा मैसेज करके मेरे को बोला। ठीक है, तो अब मैं सोचा कि इसके आगे मैं क्या करूं। तो एक दफ़ा मैंने कोडा शॉप को भी मैसेज करा कि चलो इनका क्या रिप्लाई आता है, इनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है ये जानने के लिए। तो मैं दिखा देता हूँ इनका रिप्लाई। मैंने इनको मैसेज करा कि सर, हम मैं इंडिया मतलब लाइफ आफ्टर का एक इंडियन प्लेयर हूँ और हम सभी जानते हैं कि लाइफ आफ्टर इंडिया से बैन हो गया है, तो सर आपने अपने वेबसाइट से रिमूव क्यों कर दिया परचेजिंग सिस्टम, मतलब लाइफ आफ्टर का परचेजिंग सिस्टम अपने वेबसाइट से रिमूव क्यों कर दिया। तो मैं इसे बोला कि मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको फिर से वापस लाइए। तो इनका क्या रिप्लाई आता है ये देख लीजिए। तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग भी इसको लेकर के बहुत ही मतलब चिंतित है कि ये प्रॉब्लम इंडिया में हो रही है और हम लोग बाय नहीं कर पा रहे। बट इनकी भी सेम रिप्लाई थी कि मतलब मेरी टीम हार्ड वर्क कर रही है इसको फिक्स करने के लिए, आप लोग निश्चिंत रहें, हम लोग फिर से इसको वापस लाएंगे, ऐसा इन लोगों ने मेल किया और बताया कि जो नीचे आपका मतलब जो बैन किया गया ऐप है वो लिस्टेड नीचे में है, तो आप उसको देख लो कि कौन कौन अभी एज मतलब करेंट टाइम में मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, ये लिस्ट दिया गया था, बस इतना सिंपल है। ठीक है, तो अब मैं बता दे रहा हूँ आपको रास्ता कि कैसे लेना है। तो गाइज, ऐसा कहने में मुझे बहुत दुख हो रही है कि आप इंडिया में रह करके लाइफ आफ्टर के रिलेटेड किसी भी चीज़ को परचेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं एक वे बता दे रहा हूँ, अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव अगर फॉरेन में रहता हो तो आप उससे बोल करके परचेज करवा सकते हो, या फिर आप मेरे पे अगर ट्रस्ट है मतलब मेरे पे ट्रस्ट है तो आप मेरे को मतलब जो आपका इन गेम पैसा लगता है वो मैं लूँगा। ठीक है, और आपका मैं परचेज़ करवा दूँगा। मेरे भैया रहते हैं मतलब फॉरेन में, तो वो भी ये गेम खेलते हैं,
तो मैं अब जब भी कुछ भी लेना रहता है तो मैं उन्हीं से परचेज़ करवाता हूँ। तो अगर आपको ट्रस्ट है, मैं ये नहीं कहता कि मतलब मत लो या फिर लो, ठीक है, अगर आपको लेना है, अगर ज़रूरी है तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। आपसे मुझको कुछ नहीं लेना, मैं कंटेंट ला रहा हूँ, वीडियो ला रहा हूँ तो ग्रो होने के लिए, ठीक है। मैं आपका पैसा मार करके बड़ा आदमी नहीं बन जाऊँगा, ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट है तो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग ऑनलाइन भी परचेज़ करते हैं तो ऐप पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। एक दफ़ा नहीं है तो मेरे पे भी ट्रस्ट करके देख लो, ठीक है। तो अब मेरे पे इतना सवाल आ रहे थे, क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझको मतलब कोई लेना देना नहीं है कि मुझको आप लोग का हेल्प करना ही है, बट इतना ज़्यादा कमेंट आ रहा था तो मैंने सोचा कि चलो मेरे भैया तो बाहर रहते हैं और ये गेम भी खेलते, मैं उनसे परचेस करवा लेता हूँ तो आपका भी क्यों ना हेल्प हो जाए। तो उसके लिए गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो बाय करना तो मुझको इंस्टाग्राम पे आप एक मैसेज कर देना कि हमको बाय करना है, ठीक है। तो आपको अपना वो गेम का मतलब आईडी दे, मतलब सॉरी, आपका गेम का पूरा इन्फॉर्मेशन जैसे ईमेल आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा, तो मेरे भैया वहाँ लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करके वो सिंपली वही चीज़ बाय करेंगे जो आप कहेंगे, जो कि आप इंस्टाग्राम पे हमको बता देना कि मुझको कौन सा चीज़ बाय करनी है, मतलब परचेज़ करनी है, तो वो वहाँ पे परचेज़ कर देंगे। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि जितना मतलब आपको डॉलर मतलब शो कर रहा है यहाँ, तो उतना डॉलर आपको हमको दे देना है, मतलब कि रुपीज़ में आपको हमको पे कर देना है। ये मैं उनको रिडीम कोड बना के दे दूंगा कि ये इतना पैसा ये चीज़ खरीदना है, तो वहाँ पे इजली खरीदेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि हाँ ये डन, आपका परचेज हो गया है, तो सिंपली आप अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर लेना, मतलब जो भी जीमेल या फिर फेसबुक वगैरह जिससे भी लॉगिन है। तो वो मैं मतलब ये कहने में अजीब नहीं लग रहा है कि थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन देना होगा, मुझे भी अजीब लग रहा है, मुझको लेने में खुद शर्म आ रही है, बट यही एक रास्ता गाइस, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आप लोग के पास ना मेरे पास, ठीक है। तो अगर ट्रस्ट है तो ऐसा करो, नहीं है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, मुझको इससे कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सी यू।